ASN24 पल पल की खबर। गरीब परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके कफन दफन के लिए नगर पालिका निगम कोरबा द्वारा शोकाकुल परिवार को सिद्धांजलि योजना के तहत दी जाने वाली राशि समय पर नहीं मिल पाने से लगता है सिद्धांजलि योजना ने ही कफन ओढ़ लिया हो। दरअसल नगर पालिका निगम के नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने बताया कि कोरबा नगर निगम में अति संवेदनशील सिद्धांजलि योजना को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। गरीब परिवार में किसी की मृत्यु के उपरांत 24 घंटे के भीतर योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि हितग्राही को मिल जानी चाहिए, जिससे मृतक के आश्रितों को कुछ राहत मिल सके। लोगों को कई कई दिन जोन कार्यालय का चक्कर काटना पड़ता है, इस योजना की राशि उन्हें बहुत देर से मिलती है। उन्होंने बताया कि 2011-12 में तत्कालीन महापौर जोगेश लांबा के द्वारा समाज में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार से जुड़े अन्य कार्य के लिए 3,000 की सहायता राशि प्रदान करने की संवेदनशील सिद्धांजलि योजना का शुभारंभ किया गया था। यह योजना मॉडल बनकर उभरा, जिसे संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू किया गया। इस योजना से प्रभावित होकर मध्य प्रदेश शासन ने भी इसे अपनी योजना में शामिल किया, परंतु अब हितग्राहियों को समय पर लाभ नहीं मिलने से अति संवेदनशील सिद्धांजलि योजना कफन ओढ़ता नजर आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि कोरबा नगर निगम के लगभग सभी वार्डों में आलम यह है कि अधिकारियों द्वारा जरूरतमंद हितग्राहियों को फंड नहीं होना बताया जाता है। उन्हें शिकायत मिली है कि वार्ड क्रमांक 11 में दिलहरण श्रीवास के पिता की मृत्यु 18 अप्रैल को हुई। योजना से राशि पाने की आस में दिलहरण 20 अप्रैल से जोन कार्यालय का चक्कर काट रहा है। निगम के अधिकारियों द्वारा फंड में राशि नहीं होने की बात कहते हुए उसे चलता कर देते हैं। इसी प्रकार दर्री जोन के पार्षद गोलू पांडे, कोरबा जोन की पार्षद धनश्री साहू, बालको जोन के पार्षद नर्मदा लहरे, बांकी मोंगरा जोन के पार्षद कमला बरेड एवं अन्य पार्षदों ने भी नेता प्रतिपक्ष से इस तरह की शिकायत की है। नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने इसे गंभीरता से लेते हुए विकट स्थिति में प्रदान की जाने वाली महत्वाकांक्षी योजना की राशि 24 घंटे के अंदर हितग्राहियों को उपलब्ध कराने के लिए कमिश्नर को पत्र लिखकर आग्रह किया है। श्रद्धांजलि योजना एक संवेदनशील योजना है और जिसे भारतीय जनता पार्टी के 2011-12 के हमारे महापौर लांबा जी के द्वारा शुरू की गई यह योजना, और यह योजना कोरबा नगर निगम में शुरू की गई, जिसे मॉडल बना के छत्तीसगढ़ में पूरा लागू किया गया और फिर बाद में मध्य प्रदेश में भी लागू किया गया। आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार रहते हैं, उस परिवार में कुछ गमी हो जाने के कारण उस मृत शरीर के अंतिम संस्कार के लिए आश्रितों को 3,000 रुपये की राशि तत्काल में प्राप्त हो जाए, जिसके कारण लकड़ी और कफन की व्यवस्था हो सके, इस प्रकार की यह संवेदनशील योजना थी। इस योजना को पूर्णतः हमारे अभी तत्कालिक नगर निगम में बैठे अधिकारी और सरकार के द्वारा इस योजना को लगभग तिलांजलि दी जा रही है। इतनी अहम योजना और इसे प्राथमिकता की दृष्टि से प्रथम में रखना चाहिए। आज शिकायत प्राप्त हुई, आज के पेपर में भी मैंने पढ़ा कि कांग्रेस पार्षद के वार्ड भाई दिनेश सोनी जी वार्ड नंबर 11 से पार्षद हैं, वहाँ भी यह समस्या आई कि वह हितग्राही जो था वह लगभग 10 दिन से उस जोन में चक्कर लगा रहा था श्रद्धांजलि योजना के पैसा के लिए, लेकिन वहाँ पे यह बोला गया कि फंड नहीं है। मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा कि यह किस प्रकार से नगर निगम का हाल हो रखा है। अंधेर नगरी चौपट राजा इस प्रकार का हाल है। यहाँ पे बैठे हमारे महापौर जी को प्रबंधन का ज्ञान होना चाहिए और इस पे थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन हमारे महापौर जी की कहीं ना कहीं इस पे कमजोरी है। अभी जब यह शिकायत प्राप्त हुई तो मुझे अन्य पार्षदों से भी जानकारी प्राप्त हुई, चाहे दर्री जोन के हमारे पार्षद गोलू पांडे साथी हो, चाहे कोरबा जोन की धनश्री साहू पार्षद दीदी हैं, चाहे नर्मदा जी हमारे बालको जोन के पार्षद हैं, सबसे हमें जो जानकारी प्राप्त हुई उसमें यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि इसके लिए, इस योजना के लिए लोगों को बड़ा चक्कर काटना पड़ रहा है। बीच में भी आयुक्त महोदय के साथ बैठक में यह बात हम लोगों ने रखा था कि इसे तत्काल अगर यह योजना का फॉर्म भराता है और तत्काल 24 घंटे के अंदर अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसके आश्रितों को 24 घंटे के अंदर इसका पैसा प्राप्त हो जाना चाहिए, ताकि क्रियाकर्म के लिए आसानी हो।
और हमारे आयुक्त महोदय ने कहा था कि हम जोन प्रभारी जोन कमिश्नर के पास में इसकी व्यवस्था करेंगे, उनके पास नगद राशि रखाएंगे और पार्षद के अनुमोदन पे और उसकी वास्तविकता को जांच करके 24 घंटे के अंदर उस आश्रित को यह पैसा मिल जाएगा। लेकिन आयुक्त महोदय भी गंभीर नहीं है उन बातों को लेके, तो मैं तो चाहूंगा कि नगर निगम में बैठी सरकार इस संवेदनशील योजना के प्रति अपनी संवेदनशीलता प्रकट करे और हमारे असंवेदनशील महापौर जी इसे गंभीरता से लें। ब्यूरो रिपोर्ट, KSN 24 न्यूज़।